तो भाई वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूचना देना चाहता हूँ कि जिस तरह आपको पता है कि दिल्ली में बेड्स कोरोना पेशेंट के अवेलेबल नहीं है, एक ऐप लॉन्च की है दिल्ली कोरोना ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें बेड अवेलेबल हैं तो देख सकते हैं, यहाँ पे बेड्स अवेलेबल हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर लेना और आसानी से आप रजिस्टर कर लेना, आपको बेड्स मिल जाएंगे। चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। जी भाइयों, कैसे हो सारे के सारे? और आज लॉकडाउन का दूसरा दिन रहा है, आई होप घर पे आप सेफ होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तंदुरुस्त नहीं हो तो भाई अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखना, बढ़िया रहना। मैं भी अभी आलू के परांठे खा रहा हूँ। जो आपने कल वाला व्लॉग है, परसों वाला व्लॉग देखा होगा, लेट आ रहा है क्योंकि मैंने रात को एडिट करके नहीं सोया था। अभी एडिट कर रहा हूँ, पूरू भाई को देनी है मेरे को 1 बजे, वो 1 बजे अपलोड कर देंगे। साथ से एडिटिंग चल रही है, पहले ब्रेकफास्ट चल रहा है, तो पहले ब्रेकफास्ट करके एडिटिंग करता हूँ या एडिटिंग करके ब्रेकफास्ट। तो पहले ब्रेकफास्ट करते फिर एडिटिंग करते हैं, ठीक है? 2 hours later। तो मेरा भाई यही कह रहा था, भाई मैं गोरा नहीं आ रहा। मैंने कहा चल ठीक है, छपर वाली लाइट लगा दे, तो पीछे टिकटॉक वाली लाइट दिख रही है, इग्नोर कर देते हैं। हाँ? भाई सबको पता है कि गोरा कौन है और काला कौन है। चल ठीक है, वो छोड़। तो भाई ऐसे जो मैं सो गया था, व्लॉग नहीं बना पाया, पर एक मुद्दे की बात, एक इन्फॉर्मेशन की बात मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। अभी किसी को हाल ही में, आप लोगों को पता होगा, लोग स्टेटस डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम की स्टोरी डाल रहे हैं, किसी को इंजेक्शन चाहिए था, रेमडेसिविर इंजेक्शन है, तो वो बहुत कम जगह मिल रहा था, ब्लैक मार्केटिंग मिल रहा था। जिस चीज की शॉर्टेज कम होती है उस चीज को भाई इतना रेट बढ़ा देते हैं। ये मेरा भाई है, इसका बिजनेस है सेठी एंड ब्रोस का, ये आयुर्वेदिक मेडिकल सप्लाई करता है। तो अभी जैसे मास्क जो था, कितने का बिक रहा था भाई जो लास्ट ईयर, मतलब जब स्टार्टिंग में जैसे मास्क आया था कोरोना और सैनिटाइजर, कितने कम रेट पे बिक रहा था, और एकदम से इन्होंने एकदम पैसे बढ़ा दिए कि मतलब 2 रुपए का मास्क 250-300 रुपए। डिमांड बढ़ेगी ना, अबे डिमांड बढ़ेगी तो गरीब बंदा कैसे अफोर्ड करेगा। अभी जो इंजेक्शन है, इसका इंजेक्शन का रेट अभी तू अभी लेके आया 900 रुपए का, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। 900 रुपए का मिल रहा है और ये ब्लैक मार्केट में 25,000 का, 25,000 रुपए का, अभी 25,000 रुपए आ रहा था कहीं मैंने पढ़ा था कि जिसको नीड थी, ये इंजेक्शन 35,000 का, यार गरीब बंदा कैसे अफोर्ड करेगा ये तो बता। वही चीज है, बंदों को पैसा कमाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं, अब ये ह्यूमैनिटी तो है नहीं ना भाई हमारे भाई, वो तो चल ठीक है ह्यूमैनिटी नहीं है। अब मतलब कि कोई बंदा मर रहा है तो मतलब कि वो बंदा पहले उससे पैसे हड़पकेगा तभी उसको वो चीज देगा, बेड वैसी नहीं मिल रही, बेड वैसी नहीं मिल रहे कहीं पे भी। तो आज हुआ क्या है, भाई को मिल गई मेडिसिन, इसके नॉन में है, हमारे एक्चुअली किसी नॉन में ये मेडिसिन चाहिए थी, तो इसके नॉन में क्योंकि ये सप्लायर है तो इसको मेडिसिन कोई शॉप है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है वाइट फार्मास्यूटिकल नाम से करमपुरा में, तो वो प्रोवाइड करवा देते हैं रेमडेसिविर बहुत ही कम प्राइस पे। तो उनकी कुछ शर्तें थी कि उनको ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाने हैं, मतलब फॉर सेफ्टी पर्पस या जो भी कह सकते हैं। नहीं, वो इसके बिना प्रोवाइड ही नहीं कराएंगे कि बंदे ऐसे ही आके फ्री में ले लेंगे, फिर दोबारा से ब्लैक मार्केटिंग हो जाएगी। अच्छा, कि मतलब जिसको जरूरत है, जिसको नीड है उस इंजेक्शन की, नहीं ये चीज तो ठीक है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पूरी लिखी होनी चाहिए उस पे कि हमारे स्टॉक में नहीं है इंजेक्शन हॉस्पिटल्स में, तो इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आप बाहर से अरेंज करवा के दे दो। तो उनकी वो प्रिस्क्रिप्शन वो मांग रहे थे। अच्छा, तो अंदर एक ड्रग इंस्पेक्टर बैठा हुआ था, वो सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता था, तभी ये 2 डोज हमें दे सकते, और जिनका प्राइस है सिर्फ 900 रुपीज, 900 रुपए ब्लैक मार्केट में 35,000 ले रहे हैं भाई। अब 35,000 लेने के बाद फिर भी बंदे की जान नहीं बच रही, 900 लेके पहले से तो प्रिकॉशंस लेगा वो। तो भाई मैं आपको एड्रेस बता दूं, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वो एड्रेस है, मैं भी न्यू मोती नगर रहता हूँ, न्यू मोती नगर में आप पूछ रहे हैं मिलन सिनेमा कहाँ पर, मिलन सिनेमा के बैक साइड पे, बैक साइड पे है आपको, मतलब डिस्क्रिप्शन के अंदर लोकेशन मिल जाएगी प्रॉपर, ठीक है, एड्रेस नेम मिल जाएगा, फोन नंबर है उनका, फोन नंबर है, बट फोन उठाएंगे नहीं क्योंकि यार बहुत भीड़ है उस टाइम, बहुत भीड़ है, पेशेंट को नीड है, वही 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 बात है। तो वो अपना काम कर रहे हैं, हमारा काम ये है कि भाई हमें क्रिएटर है तो 10 बंदों को आगे बताना चाहिए। और आप भी इस वीडियो को लाइक मत करना, सब्सक्राइब मत करना, बेशक जितना शेयर होता है उतना शेयर करना, क्योंकि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन अभी और देने वाला हूँ। तो हुआ क्या था, ये 2 बजे गया था और मैं घर वापस आ गया था, प्रॉपर ग्लव्स वगैरह सैनिटाइज करके गया था, स्कूटी भी गया था, इसके बाद बेसिकली पास है कि बाहर घूम सकता है मेडिकल के पर्पज से ना, कोई पास बनवाया तो क्या कहते हैं, ई पास कहते हैं उसको। तो ये लाइन पे लगा हुआ, तो ये जो इंजेक्शन प्रोवाइड करा रहा है फार्मेसी के बाहर की, एक वीडियो देखो। तो भाई इन्होंने ऐसा सिस्टम किया हुआ है, कोई दिक्कत वाले नहीं, सेफ्टी से है। तो मैं तो कहूंगा यार कि थैंक यू सो मच, आप ये सब प्रोवाइड कर रहे हो इतने कम रेट पर, जिनको जरूरत है यार वो उनको मिले, क्योंकि ये इसलिए कम रेट पर प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर से एक्सपोर्ट ड्यूटी सारी हटा चुके हैं गवर्नमेंट। अच्छा,
कोई टैक्सेस वगैरह इस पे कुछ नहीं लग रहा, सिर्फ जो रेट आ रहा है गवर्नमेंट को उसी रेट पे इन्होंने पेशेंट्स को प्रोवाइड करवा रहे हैं। नहीं ये तो बढ़िया चीज है फिर तो। और ये कोई भी केमिस्ट वगैरह को सप्लाई नहीं कर रहे, जिस भी क्योंकि केमिस्ट वगैरह को करेंगे ये मास्क को रेट की तरह फिर तो रेट बढ़ाएंगे। जो जिनको नीड है इस इंजेक्शन की, उस पेशेंट का ये अपना प्रिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, उस बंदे का आधार कार्ड चाहिए पेशेंट का। अच्छा वो क्या क्या चाहिए उसमें बता, मैं बस आपको स्क्रीन के ऊपर बताएंगे। एक आधार कार्ड ऑफ पेशेंट चाहिए, पेशेंट का आधार कार्ड, पेशेंट की कोरोना की रिपोर्ट आरटीपीसीआर की, एक एडमिशन स्लिप जिस हॉस्पिटल में एडमिट है, और प्रिस्क्रिप्शन विद पेशेंट नेम जिसपे हॉस्पिटल के डीएमसी नंबर मेंशन होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और डॉक्टर की स्टैंप, ठीक है ये बहुत जरूरी है। और उस पर लिखा होना चाहिए कि हॉस्पिटल पे इंजेक्शन जो स्टॉक में नहीं है इसीलिए हम बाहर से प्रोवाइड करवा रहे हैं। अच्छा हाँ। और जैसे अब तू लेकर आया इंजेक्शन तो जिसको चाहिए था नॉन में, तो अब उनको लग गया, उनको दो डोज कल लग चुकी थी, जिन्होंने एक बहुत ही महंगा परचेज किया था, उन्होंने एक डोज करी थी 14,000 रुपए की परचेज, एक करी थी 20,000 रुपए की। अच्छा तो आज यही सेम? हाँ सेम। अच्छा आज ही उनको मैंने करवाई है, ये रेमटेक कंपनी है उसकी प्रोवाइड, मैंने 900 रुपए की एक डोज करवाई है, उनके कंपनी में आई थी 900 रुपए की एक रेमटेक की। अच्छा अब कल उनको दो डोज और प्रोवाइड करवानी है, जिसमें कल लाइन में लग के दोबारा अपना नंबर वंबर लेके शाम तक अपनी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो भाई जिसको भी चाहिए ना, देखो मैं अपना नंबर नहीं दे रहा, मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी दे रहा हूँ, भाई के इंस्टाग्राम आईडी दे रहा हूँ, पर्सनल डीएम करो, आपको कॉल पे बात कर लेंगे हम। और अगर आपको जैसे दूर हो तो हम कुछ ना कुछ करके किसी के थ्रू करके अरेंज जरूर करा देंगे अगर अवेलेबल होगा तो। ठीक है भाई कोई टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि बहुत लोगों की स्टोरी में ही मैंने यही वाली इंजेक्शन सुना कि सबको ये नीड है। ठीक है ये इंजेक्शन इसलिए काम आता है जिनके कोरोना के कारण लंग्स की ब्लॉकेज होगी ना, वो ब्लॉकेज खोलता है इंजेक्शन ये। अच्छा तो उसी लिए नीड आता है। तो ठीक है भाई इंस्टाग्राम का मैं हैंडल नीचे दे रहा हूँ, तो प्लीज डीएम कर देना भाई को, कर देना डायरेक्ट भाई को कर देना, क्योंकि ज्यादा नॉलेज इनको है, ये रोज जा रहे हैं यही मतलब कि हेल्प कर रहे हैं, अच्छी बात है ये। तो मैं आपके सामने एक स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहता हूं, किसी बंदे ने अपने स्टेटस पे डाला था, क्या है ऑक्सीजन गैस फॉर कोविड पेशेंट्स। हां इसने लिखा था इफ एनीवन नीड ऑक्सीजन गैस फॉर कोविड पेशेंट्स प्लीज कांटेक्ट अस। इन्होंने नोट पे लिखा ऑक्सीजन गैस इज फ्री ऑफ कॉस्ट बट सिलेंडर नीड टू बी अरेंज्ड बाय पेशेंट्स ओनली। अच्छा ये ऑक्सीजन गैस में फ्री में डलवाएंगे पर ऑक्सीजन सिलेंडर जो पेशेंट्स अरेंज करके खुद लेके आए। वीर जी मायापुरी फेज 1 V93 ये प्लांट है और इधर फ्री सेवा हो रही, जिन्नू ऑक्सीजन चाहिए प्लीज आके ले जाओ इधर। मायापुरी थाना क्रॉस कर दी पहली गली के अंदर V93 ये निशानी हैगी जी। पॉल इंजीनियरिंग अपना सिलेंडर ले आओ, जिन्ना मर्जी वड्डा सिलेंडर हो, फ्री सेवा, प्लांट तक खुली गैस मिल रही, जिन्होंने जो चाहिए ले जाओ वीर जी आके प्लीज भाजी, अगे तो अगे सबनों शेयर कर दो। कितने केसेस आ रहे हैं? 27,000 केसेस आ रहे हैं, इतने डेथ रेशो इतनी बढ़ गई है। तो भाई मेरा ब्रदर है गुड़गांव जॉब करते हैं, उसके ऑफिस में किसी के फ्रेंड की डेथ हो गई। और शेयर करना चाहूंगा, मेरे एक फ्रेंड ने स्टेटस डाला था, रजौरी में रहता हूँ, उसने डाला था इफ यू आर लिविंग इन वेस्ट दिल्ली एंड लिविंग ऑन योर ओन एंड नीड फूड वी विल प्रोवाइड यू होम फूड फ्री ऑफ कॉस्ट एंड फूड विल बी डिलीवर एट योर प्लेस। उसने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे, मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो किसी को अगर फ्री ऑफ किसी को भी अगर फूड की नीड हो होममेड फूड की, मेरा दोस्त है ये और ये फ्री ऑफ कॉस्ट फूड उनको प्रोवाइड करवा रहा है। तो भाई लोग इतने ज़्यादा जुड़ गए हैं चीज़ को लेकर, सबको थैंक यू है मेरी तरफ से। और एक हम एक भी पिक और मेंशन कर देंगे कौन सा इंजेक्शन ये दे रहे हैं, हमें प्रोवाइड करा रहे हैं रेमडेसिविर का, रेमडेक कंपनी का, हम फोटो आपको एक बार शेयर कर देंगे, आपके स्क्रीन पे आ रही होगी फोटो कौन सी है वो। ठीक है ये बट एक और चीज़ कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आओगे जिसमें प्रिस्क्रिप्शन जो है वो ओरिजिनल होनी चाहिए। अच्छा वो सॉफ्ट कॉपी नहीं चलेगी, वो हार्ड कॉपी होगी, वो अंदर सबमिट हो जाएगी उनके पास, क्योंकि अंदर ड्रग इंस्पेक्टर बैठा है, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है। आधार कार्ड चाहिए और आधार कार्ड भी सबमिट होगा? नहीं आधार कार्ड तो फोटो कॉपी उसकी कॉपी सबमिट होगी, बट उनको एक ओरिजिनल आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, उसी टाइम वो आपको वापसी कर देंगे। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और पूरा आपको बिल मिलेगा इस कंपनी का कि जीएसटी, पूरा बिल आपको जीएसटी बिल देंगे, कोई फेक नहीं है, सच्ची में देंगे। मैं बस बिल की फोटो अगर मैं अरेंज करवा पाया वो भी आपको मैं शेयर कर दूंगा अभी। तो भाई तो हेल्प कर रहा है, रोज जा रहा है दोपहर को और एक इंजेक्शन ले रहा है जिसको नीड है। तो मैंने बता दिया इंस्टाग्राम का हैंडल नीचे दे रहा हूँ, अगर जिसको चाहिए जिसको भी करना तो भाई को जरूर मैसेज करना। ठीक है मुझे पता आप लोग करोगे मैसेज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, तो वीडियो को बेशक लाइक मत करना, सब्सक्राइब मत करना, सब्सक्रिप्शन बेशक मत बढ़ाना, पर वीडियो को जितना ज्यादा शेयर हो सकता है उतना ज्यादा शेयर जरूर करना। ये इन्फॉर्मेशन वीडियो थी, ठीक है। तो भाई प्यार आपका, मेहनत भी आपकी, मिलते हैं अच्छे व्लॉग के साथ। कल बीडेस आएगा पूर्व भाई का, वकील की स्वागत 12:30 बजे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।